क्या कॉल बॉयज की जॉब या मेल एस्कॉर्ट या मेल प्रोस्टिट्यूट की जॉब करना चाहिए, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे फीमेल प्रोस्टिट्यूट है या फीमेल एस्कॉर्ट है, वैसे मेल एस्कॉर्ट्स है या मेल प्रोस्टिट्यूट्स है। अब ये मेल प्रोस्टिट्यूट जो है वो उनके क्लाइंट्स की भूख पूरी करते हैं। काफ़ी सारी महिलाएं ऐसे रहती है कि जो अपने हस्बैंड से अनसेटिस्फाइड है, जो अकेली रहती है, जो लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहती है, या जिनको कुछ चेंज चाहिए, या जो ट्रैवल करती है और वो सिटी में अकेली है, तो ऐसे काफ़ी सारी महिलाएं जो है कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं, उनको एक कुछ समय के लिए एक फ्रेंड चाहिए या एस्कॉर्ट चाहिए, और इस समय वो फिर वो सर्विस जो है मिलती है तो उसको वो अप्लाई करती रहती है। काफ़ी सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी, मगर अभी सवाल ये आता है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, होता है कि नहीं होता है, ये अपना अपना चॉइस है। ये क्या है कि फीमेल प्रोस्टिट्यूट को क्या है कि उसको कोई इरेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है कि भाई उसको इरेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ क्या है कि मेल बॉय जो है, मतलब कॉल बॉय, तो उसको इरेक्शन आना चाहिए ना। तो एक फीमेल कोई आपको हायर करती है तो चाहेंगे कि भाई 3-4 बार 5 बार 6 बार, मतलब जितनी भी उसकी इच्छा हो उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा कि मेल बॉय जो है वो एक तो यंग होना चाहिए, फिर उसको दवाई लेनी पड़ेगी या इंजेक्शन लेना पड़ेगा, उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, वो बातचीत भी अच्छी होनी चाहिए उसको, मतलब जो भी क्लाइंट उसको मिलेगा तो उसके साथ में वो बातचीत कर रहा है और उसको जो सेटिस्फैक्शन देना चाहिए उसने वो सेटिस्फैक्शन देना चाहिए। उसके लिए वो एजेंसी कॉल बॉयज़ को हायर करती है, वो उनको पर क्लाइंट पैसे देती है या मंथली सैलरी देती है। अब ये करना कि नहीं करना, तो लोग जो करते हैं इसमें, वो एक तो घर के बहुत गरीब रहते हैं, उनको पैसे की पड़ी रहती है कि भाई अपने को पैसे होना, पढ़ाई करने के लिए पैसे होना, या फिर पढ़ाई करते हैं दिन में तो रात में कुछ ना कुछ कमाई कर सके, और इसमें आसानी से पैसा मिल सकता है। बड़े सिटीज़ में ये पैसा मिल सकता है। बड़े सिटीज़ में क्या होता है कि एनोनिमिटी रहती है, मालूम नहीं पड़ता है कि कौन लेडी कहाँ जा रही है, किसके साथ में जा रही है। तो ये प्रोफेशन करना कि नहीं करना, ये अपना अपना काम, मॉरली नहीं करना चाहिए और लीगली अलाउड नहीं है। मगर हमारे देश में यदि मेल और फीमेल इकट्ठा आते हैं और दोनों की मानसिकता है, दोनों की कंसेंट है, तो दोनों कंसेंट है तो रह सकते हैं, उसमें कोई इल्लीगल नहीं है। मगर एक ने भी बोल दिया कि नहीं नहीं मेरे कंसेंट के बिना ये रिलेशनशिप है, तो प्रॉब्लम लीगली आ सकता है। बाकी तो हर एक को अपना अपना डिसाइड करना है, कॉल बॉय या मेल एस्कॉर्ट या मेल प्रोस्टिट्यूट अच्छा है कि नहीं है, अपना चॉइस है। थैंक यू वेरी मच।